ब्रॉट टू यू बाय वीगार्ड। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। भाइयों बहनों, उनके राज में पावर रहे अनस्टेबल और हम रखे सब स्मूथ और स्टेबल। हमारा नेता कैसा हो, जो स्टेबल पावर दे वैसा हो। अब की बार वी गॉट एसी स्टेबलाइजर का चमत्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। उनका बैकअप सिर्फ कल तक और हमारा चांद तक। हमारा नेता कैसा हो, जो नॉनस्टॉप बैकअप दे वैसा हो। अब की बात वी गॉट इन्वर्टर बैटरी का चमत्कार। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी एसटी ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा।
ब्रॉट टू यू बाय वी गार्ड। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।